लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए दक्षिण भारत बहुत अहम भूमिका रखता है इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी दो दिन के तमिलनाडु केरल और लक्षद्वीप दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी ने दौरे के पहले दिन तमिलनाडु के तिरुचरापल्ली में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और भारतीय दासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए वहीं आज वे कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने कावती पहुंचे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कावर्ती में एक करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया